नमस्कार, न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। और यह मामला अमनौर प्रखंड का ग्राम खासपट्टी का है, जिसमें इनके पटीदार के द्वारा जमीन पे कब्जा करने, इसके अलावा घर पे कब्जा करने की कोशिश किया जाता है। यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मढ़ावड़ा में केस लंबित है, और इसके बावजूद उस जमीन पे कमर्शियल एक्टिविटी किया जा रहा है, खेत कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ मैटर है कोर्ट का अवमानना का, यहाँ कोर्ट का अवमानना हो रहा है। इसके अलावा ये जब भी जाते हैं, ये अनिल राय जी हैं, जब भी थाने पे जाते हैं तो थाना कोई कार्रवाई नहीं करती है। उनको पटीदार से इतने त्रस्त हैं कि ये जब रोकते हैं कि कोर्ट में केस लंबित है, बिना आदेश का उस पर कैसे आप खेती बाड़ी कर सकते हैं या घर का जोड़ाई कर सकते हैं, जो घर पर विवाद है। तो इनके चाचा जी को अभी मार के काफ़ी जख्मी कर दिया गया, और थाना का आदेश का भी अवमानना कर रहे हैं। अब क्या माजरा है? माजरा है कि हमारे ज़मीन 9 कट्ठा का लफड़ा है। लफड़ा में हमने पंचायत द्वारा पंचायत हुआ पिछले साल, पंच लोग हमको दबा दिया, बोला कि तुम बहुत कुछ हो, परिवार का है कमाने वाला, अपना कमाओ खाओ, लफड़ा में मत करो। हमने पंच पर बिक दिया कि आप लोग जो निर्णय दीजिएगा वो मानने के लिए तैयार है, जिसमें वर्तमान मुखिया सत्येंद्र राम, वर्तमान जिला पार्षद आलोक राय, भूतपूर्व मुखिया पैगा लाल बाबू राय, वर्तमान पाएगा सरपंच भरत राय जी, सब कोई ने फैसला हमको दिया, फैसला हम मान गए। कागज़ करने का बारी आया तो बोला कि कार्तिक में करेंगे, कार्तिक आया तो बोलता है कि हमने पंच से पूछा तो बोला कि बैसाख में करेंगे, बैसाख आया तो बोला डायरेक्ट हमारे ज़मीन में कब्जा करने लगा, घर जुड़वाने लगा, बोलता है कि कागज़ देखा है। हमने बोला कि पंच जब फैसला कर दिया तो कागज़ क्या देखना है, जब मेरा पिताजी थे तो आपको कागजे नहीं था, आप कागज़ कहाँ से आ गया। उसके बाद वो नहीं माने, उनके साथ अन्य व्यक्ति जो नजायज़ है उनके संबंध में उस साथ दे रहे हैं, मेरे को परेशान कर रहे हैं। मेरा भाई मर गया, उसके बाद से मेरा पिताजी, उसके बाद से हम परेशान हैं। हम अपना कैसे कैसे परिवार चला रहे हैं, चाचा जो है उन्हीं का बड़ा अथी है, कमल राय का बड़ा भाई है, उनको लोग घर परिवार से छोड़ दिया, तो उनको हम अपने में रखे हैं, तो उनको मार के जख्मी कर दिया पिछले साल 9वां महीना 22 तारीख हैं। उसमें हमने हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोशिश किए तो हमको जान से मारने के लिए दरवाजा पर चढ़ गया लोग, हमारा परिवार घींच के घर में बंद कर दिया। थाना के हमने फ़ोन किया, थाना हमारे सुनवाई नहीं किया, सुजीत कुमार चौधरी। 2 घंटे के बाद हमने DSP साहब को फ़ोन किया, तब जाके छोटा प्रभारी बलेश्वर सिंह गए और मेरे गर्जीवन को उठा के लाए। लाने के बाद सदर यहाँ मेडिकल रिपोर्ट करके सदर में रेफर कर दिया गया। रेफर करने के बाद हमने आया सदर से तो उसको मेडिकल रिपोर्ट हमने लेने गए, हमको नहीं मिला, अभी तक कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट नहीं पहुंचा। हमने कितना बार मेडिकल रिपोर्ट चेक करवा दिया। तो ये विवादित ज़मीन पे ये मजिस्ट्रेट साहब का, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में लंबित है इस विवादित ज़मीन पे, इसके बावजूद वो एक्टिविटी करते हैं, हाँ वहाँ पे काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जबरदस्ती खेती बाड़ी करते हैं। आम जो फरा था वो तोड़ लिए, हमने थाना में जाते हैं, थाना के प्रभारी कहते हैं बार बार कि ठीक है हमने फोर्स भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने 2 बार अरंट दे चुके, जो कोर्ट में न्यायालय का SDO कोर्ट का है मामला, हमने नोटिस देने के बाद लोग नोटिस पढ़ के रख लेते हैं, कहते हैं कि इसमें रिसीवर बहाल नहीं है, जिसमें रिसीवर बहाल साफ साफ लिखा गया है, फिर भी हमको कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। अब कोर्ट में गवाही होने के बाद गवाह को धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे, जो जाएगा खिलाफ हमारे गवाही देंगे। आपके परिवार का भी जान माल का खतरा बना हुआ है? हाँ, मेरे बहन का और मेरे बीवी का। अच्छा, तो मेरे जान पर भी है पूरा। अच्छा, तो ये आप मतलब कि आप जाते हैं कि कोर्ट का आदेश का तामील कराया जाए, आप थाना में गुहार लगाने जाते हैं, थाना भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? थाना अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया, 1 साल से ऊपर मेरा लफड़ा का होने जा रहा है, अभी तक थाना कोई कार्रवाई करने गया नहीं। मेरा चापाकल था, उसमें जो मुखिया चौहान जी दिए थे बल्डिहा का रहने वाला, वो चापाकल मेरे अति में क्या बोलते हैं कार्तिक महीना में कुहेसा में मेरा कल कटवा लिया वही पार्टी, वो बोला था कि हम सब उठा लेंगे, जिसमें थाना ने बयान लिया था कि किसका कल है, तो पहला बयान उसका पिताजी दिया था कि इसका है, सरकारी नल जल था, सरकारी चापाकल था, जिसमें दोनों को गायब कर दिया गया। तो अभी आप प्रशासनिक वरीय पदाधिकारी लोगों से क्या आप मांग करते हैं? हम वरीय पदाधिकारी से यही मांग करते हैं कि हमको न्यायालय मिलना चाहिए, इसके जरिए हमको कितना केस में ये पार्टी हमको फंसवा दिया,
जिसमें हम केस लड़ते लड़ते तबाह हैं, कोर्ट को जवाब देते देते हम कोर्ट में अपना हर डेट पर उपस्थित होते हैं। बताइए हम कमाएंगे नहीं तो हमारा चलेगा कैसे? अब बाहर कमाते हैं और बराबर ये केस झूठा आप पे हो जाता है। किसी भी केस में कहीं कहीं फंसवा देता है, लूट का है, मर्डर का है, किसी भी केस में हमको फंसवाते रहता है। कुछ ऐसा लोग है प्रत्याशी लड़ने वाले ऊंचे पोस्ट का, जो थाना को दबाव देते हैं उसको पक्ष में आकर के कि नहीं उस पर कार्रवाई करना है। चलिए, ये कौन आपके जो पटीदार हैं, कौन है इनका नाम बताइए? ये हमारा चाचा है। क्या नाम है उनका? कमल राय। ग्राम कौन सा? खासपट्टी। अच्छा, ये प्रखंड कौन सा होगा? प्रखंड अमनौर, थाना अमनौर। हाँ, आपके परिचय? मेरा नाम हुआ अनिल राय।